बोले स्टार्ट कर। दोनों को कैसा लग रहा है आज काइट्स पकड़ के? पांच पकड़ी है और एक मैंने क्या वीडियो बनाई है ना आपने? यस अभी दौड़ सुबह 10। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। मेरी ढेरों दुआएं आप सबके साथ हैं। आज मज़े की वीडियो लेकर आई हूँ और वो कौन सी वीडियो है देख ही लिया होगा आपने, बसंत की वीडियो जी। और बच्चों ने किया खूब फन। ये वीडियो आपसे शेयर करने का मेरा बहुत ज़्यादा दिल था, बीच में मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैंने इसका वॉइस ओवर नहीं कर पाई, तो आज आपके साथ ये शेयर करने वाली हूँ। तो इसको ज़रूर लाइक एंड शेयर कीजिएगा, एंड तक ज़रूर देखिएगा क्योंकि बहुत मज़ा आने वाला है। तो चलिए इस वीडियो को एंजॉय कीजिए मेरे साथ। हैप्पी हैप्पी हैप्पी, उन्होंने पकड़ लिया। दिखाई थे फातिमा ने, खोल के नहीं दिखाई, दिखाने नहीं तो उठाओगे उड़ जाएंगे। पकड़ ली। ओ ये बड़ा प्यारा है। वाओ यस, नाफे इसको अपना वो आपसे वो करने लगा है, कट कर थोड़ी सी उड़ा लो। तो आपने वो काटा हो गया? मैंने काटा ना। और यहाँ पे ये लोग पकड़ रहे थे काइट्स और राफी ने फर्स्ट टाइम काइट पकड़ी, बहुत एक्साइटेड था बट उसको पकड़ने का आइडिया नहीं है ना, तो वो ऊपर से नीचे लानी मुश्किल थी, वो नीचे आ गई और एक जो है सामने देखिए ट्री में जाके फंस गई। बट उन्होंने उसको कैसे निकाला चलिए देखते हैं आगे चल के। आपके कैसे एक्सप्रेशंस हैं? पता नहीं, फर्स्ट टाइम काइट उड़ाई और आप कैसा लग रहा है? लेकिन चले नहीं, आर यू एंजॉयिंग? यस, ये छत इतनी बड़ी है यहाँ पे ज्यादा मजा भी आता है, ऊंची है ना। नहीं वो आएगा वो रफी, इधर ये देखो ये हमारे ऊपर से गुजरेगा। यस,
इसकी देखो कहाँ से जाएगी, ये तो साइड से जा रहा है। इधर आ रहा है। ओ रफी, कैसा एक्सपीरियंस है फर्स्ट टाइम आपका काइट्स पकड़ने का? ये डंडे से बचना, ये फातिमा का डंडा। बहुत ऊपर है। अच्छा बताएं, पहली दफा मतलब पीछे से, पीछे से बन गया हूं पहली दफा। काइट मैन बन चुका। हां जी, अस्सलाम वालेकुम। अच्छा लग रहा है लेकिन। और आज अस्सलाम वालेकुम, मैं और अब्दुल रफी हूं और ये मेरा कजन है। वन ब्लूपर्स में डाला था यार, ठीक है। कल वो टेप आ गया। कोई बोल ही नहीं रहा, बोलो ना। अस्सलाम वालेकुम बोले। दोनों को कैसा लग रहा है आज काइट्स पकड़ के? पांच पकड़ी है और एक मैंने क्या वीडियो बनाई ना आपने? यस, वो देखिए वो उधर एक रफ ने दिखा दिया। अगर हम लोग डोर में तोड़ते नहीं, हमारे पास होती। लेकिन हमने डोर तोड़ दी। एक वो नीचे, ये देखें ना, इसकी डोरी है, इसकी डोरी है। एक हमारे पास है, उसकी डोर वो है, लेकिन वो फट रही है, इसलिए हम लोग खींच के दे। ये तीन काइट चलो और आ जाएंगे अभी। हमने नो प्रॉब्लम, बहुत फातिमा गिर जाओगी नीचे। तो अभी राफे भाई ने, अभी राफे भाई ने इतनी प्यारे तरीके से राफे में निगुड़ा काटे, इसको पता भी नहीं था। मेरे यहाँ काटे ये समझ रहे हैं, इनका काटे गया। वो बनी है वीडियो, उन्होंने आज फर्स्ट टाइम पकड़ी और उड़ाई भी है ना, इसलिए कट भी गई है। वाओ राफे, आपका तो आज आपका रिकॉर्ड हो गया है ना फातिमा? आज ही पांच पकड़ी है और एक से काट भी दी है। आज मिनी बसंत है, आई थिंक सो। मुझे देखो आने वाला उधर से। बहुत बड़ा डंडा। उसको घुमाना होता है डंडे को ना। परी आ रही है, परी, ये परी ऐसी होती है। इसकी डोर देखो ना, डंडा पकड़ो। डोर नजर आएगी तो फातिमा डंडा करेंगे ना। ब्लैक कलर का पकड़ा था, वो इतना ऊपर था, वो ये देखिए ना, वो जितने ये वाले ऊपर वाले मेरी गर्दन से गुजरी थी बिल्कुल, कट गया। अरे सारे झंडों वाले कलर होते हैं, बिल्कुल झंडों के डिजाइन है ऊपर कलर। बेल्जियम है, एक जर्मनी था, ये फ्रांस वाला भी होता है, रशिया का हमने देखा है। उधर को धक्का दो ना, मैं यहाँ से खींच लूंगा उसको। नहीं, और फट जी कैसे? उधर को धक्का दो रफी, उसका हाथ नहीं पहुँच रहा। क्या कर रहे हो? हाँ हो गया, हो गया, हो गया, हो गया, गुड। हाँ बस ठीक, आ गया। छोड़, चलो वो तोड़, मैं डोर काटूं। नहीं सही है, वो तार में फंस जाता। काम है, काम आ जाए, इतनी इतनी भी काम आ जाए। अभी डोर मुझे डोर कहरो में हटते, ये रिस्की डोर पकड़ो, पकड़ो, पकड़ो। आ रही डोर सीधी सीधी है, डोर इधर है। देखना आगे नीचे, चलो राफे भाई को ऐसी शौक पूरा करने दो। राफे थोड़ी सी उड़ा लो, ढीला देना। हाँ ओ ओ वो उनके घर, सईद अंकल के घर।
अरे बता ना ढील नहीं देते ना खींचे वही जो अरे खींचे 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 वो लैंड हो गई वो मैंने बस दो ही पकड़े हैं बस अभी अभी दो और सुबह 10 अरे हां सुबह तो 10 पकड़े लेंगे लोग मामा कल चलेंगे यहाँ ये बताती चलूँ कि ये मनाजिर जो आप देख रहे हैं ये जो हैं रावलपिंडी के मनाजिर हैं और यहाँ पे बसंत के मनाजिर हैं, यानी कि ये एक मिनी बसंत हुई थी। रावलपिंडी में होती है फरवरी मार्च में बसंत और मौसम बहार का जो है इस्तकबाल किया जाता है ऐसे, तो ये बल्कि समझ लें कि इस पूरे मंथ में ही जो है ना काइट्स उड़ती रहती हैं। तो ये ऐसा था कि हम लोग गए थे राफिकी नानों के घर और वहाँ पर जो है बाई चांस उस वीक में नहीं थी बसंत, बट ये मिनी बसंत टाइप का फेस्टिवल हो रहा था और हमने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब इंजॉय किया, बच्चों ने खूब काइट्स पकड़ी। इतना जो है बसंत डे पे नहीं हुआ था फन जितना इस दिन हो गया था, काफ़ी सारी काइट्स पकड़ी और बच्चों ने खूब 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 मज़े किए। तो उम्मीद है आपको भी बहुत मज़ा आया होगा हमारे साथ बच्चों के साथ काइट्स पकड़ने का, काइट्स को देखने का और बच्चों की इंजॉयमेंट का। काइट्स उड़ाना भी एक फ़न है और बच्चे इसको खूब इंजॉय करते हैं, लेकिन उसके साथ साथ डोर जो है उससे आपके हाथ भी कट सकते हैं। तो ऐसा ही हुआ, राफ़ी का भी हाथ कटा हुआ था और मुझे एक मज़े की बात लगी जो आपसे शेयर करती हूँ। यहाँ पे राफ़ी कहते हैं मेरा हाथ कट गया है, तो अब्दुल मोहित कहते हैं कि मेरा भी हाथ कटा है लेकिन मैं नहीं रोया। तो आगे से राफ़ी कहते हैं कि मैं कोई रोया, तो मुझे इस बात पे बहुत हंसी आई कि बच्चों की बातें जो है उनकी तरह कितनी क्यूट होती हैं। मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया उनके साथ जो है उनकी बातें सुन के, उनके साथ जो है उनकी एक्टिविटी में शामिल होकर मुझे भी बहुत मज़ा आया। तो उम्मीद है आप लोगों को भी मज़ा आया होगा आज की जो है मेरी इस वीडियो का, इस मिनी बसंत का। तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा आपको कैसा लगा है, और नेक्स्ट जो है मैं न्यू व्लॉग के साथ हाज़िर होंगी क्योंकि उसमें आने वाली है बसंत डे का फ़न। आज भी फ़न था बट वो फ़न जो है वो और तरह का फ़न है, तो वो छोटी सी वीडियो भी आपके साथ बहुत जल्द शेयर करूंगी। अभी आप इस वीडियो को इंजॉय कीजिए और होपफुली आपने इंजॉय किया होगा। मुझे आपके कमेंट का इंतज़ार रहेगा, प्यारे प्यारे मज़े मज़े के कमेंट्स मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। तो ज़रूर बताइएगा अपनी राय का और अपना और अपनी फैमिली का ख्याल ज़रूर रखिएगा। मैं लूँगी आपसे इजाज़त यहाँ पे बच्चों के लास्ट सीन के साथ जिसमें उड़ा रहे थे राफ़ी जो है काइट, फर्स्ट टाइम उड़ाई बट अच्छी उड़ाई। ये भी ज़रूर बताइएगा आपको कैसी लगी राफ़ी की काइट उड़ाना। तो यहाँ पे जी आपसे लूँगी इजाज़त, वैसे भी हो रहा है मगरिब का टाइम और हो इसके बाद पढ़ी हमने नमाज, तो लूँगी आपसे इजाज़त। अपना ख्याल रखिएगा, अपना और अपनी फैमिली का, मुझे दुआओं में याद रखिएगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।